हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। इसे आप 3 से 3.5 घंटे में इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गांठ लगाएंगे, फिर चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 चैन बनाएंगे टोटल। इसके बाद हम फिर 2 चैन एक्स्ट्रा और बनाएंगे। 1, 2, 2 चैन बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो 21 वाला चैन था वहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, बना लिया। फिर इसके नेक्स्ट वाले में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बना लिया। फिर इसके नेक्स्ट वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके हम सारे चैन्स में यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ तक बना दिया ये। अब ऐसे ही करके हम सारे चैन्स में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पूरा बना के दिखाती हूँ। बना दिया पूरा। इसमें अब टोटल 19 डबल क्रोशिया है। अब इसके बाद हम फिर 3 चैन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बना लिया। 2 हो गए यहाँ पे। फिर इसके नेक्स्ट वाले में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बना लिया। 3 हो गए। अब इसके बाद 2 चैन बनाएंगे। 1, 2, 2 चैन बना लिया। फिर इसको यहाँ से हम पफ बनाएंगे, जो सेकंड वाला हमने चैन बनाया था उसमें से पफ बनाएंगे। 5 बार धागे को निकालेंगे क्रोशिया में, निकाल लिया। और इसको एक साथ बना के बना लेंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर एक और पफ बनाएंगे जो सेकंड वाला चैन बनाया था उसमें से बनाएंगे। यहाँ फिर हम 5 बार धागे को निकालेंगे क्रोशिया में। 2 बार हो गए। 3, 4, 5 5 बार बना लिए। अब इन सबको एक साथ बना लेंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे लास्ट से 1, 2, 3 तीसरे वाले चैन में यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे, बना लिया। अब इसके बाद फिर इसके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए और फिर लास्ट वाले में बनाएंगे 3 हो गए। 3 डबल क्रोशिया हमने शुरू में बनाया था और 3 डबल क्रोशिया लास्ट में बनाएंगे। और बीच में ये पफ वाला डिजाइन, ये इतना बन गया। फिर 3 चैन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गए। फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर एक पफ बनाएंगे। बहुत इजी है ये तोरण का पट्टी बनाना, बहुत ही ज़्यादा, और इसे बनाने में टाइम भी बहुत कम लगेगा। ये बना लिया पफ। अब इसके बाद पहले 1 चैन बनाएंगे, फिर जो ये नीचे हमने 2 चैन बनाया था वहाँ पे इसको ज्वाइंट कर लेंगे एक सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 चैन बनाएंगे और फिर एक पफ बनाएंगे। ये फिर 5 बार क्रोशिया में धागे को निकालेंगे। बना लिया। अब इसको एक साथ बना के और फिर 2 चैन बना के और जो लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था उसमें से 3 डबल क्रोशिया फिर बना लेंगे। 1, 2, 3 ये 3 बना लिया। अब इसके बाद हम फिर 3 चैन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे और फिर ये सेम पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। अब टर्न करके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो पहला वाला लाइन बनाया था वो बनाएंगे। ऐसे ही करके हम ये पूरा पट्टी बनाएंगे। बना के दिखाती हूँ। देखिए, मैंने पूरा तोरण का पट्टी बना लिया। आपको जितना बड़ा भी पट्टी चाहिए आप उतना बड़ा इसको बना सकते हैं। अब यहाँ लास्ट तक बना लिया। अब लास्ट में हमें क्या करना है, जैसे हमने शुरू में बना रखा है ये सिर्फ डबल क्रोशिया वाला लाइन, वो लाइन हमें बनाना है। तो पहले 3 चैन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए और एक 3 हो गए। अब इसके बाद हम यहाँ पे 13 चैन बनाएंगे। 13 चैन बना लिया। तेरह चैन बना के एक डबल क्रोशिया लेंगे और ये फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1। आप चैन यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं, बड़ा या छोटा अगर होगा तो चैन को बढ़ा या घटा सकते हैं।
ये दो डबल क्रोशिया हो गए और एक तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर तीन चैन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो हो गए और ये तीन, तीन बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो चैन हमने बनाया है इसमें से हमें 13 डबल क्रोशिया बनाना है। एक दो, दो बना लिया, ऐसे ही करके 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिया, बना के धागा को कट कर लेंगे। देखिए ये पट्टी हमारा रेडी है, कितना सिंपल और कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इसके नीचे का पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम धागे को ज्वाइंट करेंगे स्टार्टिंग वाले लाइन में, कर लिया ज्वाइंट। अब इसके बाद 10 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चैन बना लिया। इसके बाद एक चैन और बनाएंगे और यहाँ से पफ बनाएंगे, धागा को थोड़ा लंबा खींचेंगे और पफ यहाँ पे जितना मोटा बनाएंगे उतना सुंदर लगेगा ये। अगर आपका धागा पतला है तो आप यहाँ पे ज्यादा बार धागे को क्रोशिया में लेके जाएंगे, अगर मोटा है तो 7 से 8 बार लेके जाएंगे तो ये अच्छा पफ बन जाएगा। मैं टोटल 8 बार धागे को लेके जा रही हूँ क्रोशिया में, कर लिया। फिर इनको एक साथ बना लेंगे, बना लिया। फिर एक दो, दो चैन बनाएंगे और इसके बाद फिर से एक पफ बनाएंगे यहाँ से। फिर हम क्रोशिया में धागे को 8 बार लेके जाएंगे। जो नीचे का पार्ट बनाएंगे ये सिर्फ पफ डिजाइन से ही कंप्लीट होगा, हमें सिर्फ पफ बनाना है। ये पफ कंप्लीट कर लिया। अब इन सबको एक साथ बना लेंगे, बना लिया। अब फिर से यहाँ पे 10 चैन बनाएंगे, बना लिया 10 चैन। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3, तीन लाइन बीच में छोड़ेंगे और चौथे वाले लाइन में एक सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट करेंगे, कर लिया ज्वाइंट। अब फिर इसके बाद हम सेम इसी डिजाइन को पूरे पट्टी में हम कंप्लीट कर लेंगे। 10 चैन बनाएंगे, दो पफ बनाएंगे, फिर 10 चैन बनाएंगे और बीच में तीन लाइन का स्पेस छोड़ेंगे और चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करते जाएंगे। अब मैं ये पूरा लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बना लिया पूरा लाइन। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इस कलर में बना लेंगे या फिर अपने पसंद के किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। अब लास्ट में हमें अब इसको टर्न करना है पीछे के साइड, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 11 चैन बनाएंगे। बना लिए 11 चैन, इसके इक्वल होना चाहिए जो हमने नीचे वाले लाइन बनाया था उसमें। फिर इसके बाद पफ बनाएंगे एक, इसमें भी पहले हम 8 बार धागे को लेके जाएंगे क्रोशिया में और फिर जब 8 हो जाएंगे तो एक साथ इनको बना लेंगे। यहाँ तक बनाया, अब इसको एक साथ बना लेंगे। फिर एक, एक चैन बनाएंगे और जो ये हमने दो चैन के स्पेस दिया था दो पफ के बीच में, वहां पे एक सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर लेंगे, कर लिया ज्वाइंट। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे एक पफ बनाएंगे, 8 बार धागे को क्रोशिया में लेके जाएंगे। हो गया, अब इनको एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस लाइन में ज्वाइन करना है तो हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे हम टोटल 16 चैन बनाएंगे। सबसे पहले बना लिया 16 चैन। अब इसके बाद एक चैन एक्स्ट्रा और बनाएंगे और फिर पफ वाला डिजाइन बनाएंगे। यहाँ भी हम पहले धागे को 8 बार क्रोशिया में लेके जाएंगे। पफ आप अपने पसंद के साइज हिसाब से बना सकते हैं, मोटा या फिर पतला। वैसे इसमें मोटा ही पफ अच्छा लगेगा, पतला अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसको बना के यहाँ पे फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाले यहाँ पे जो दो चैन है दो पफ के बीच में वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। अब ऐसे ही करके हमें ये पूरा लाइन कंप्लीट करना है।
यहाँ पे आप पहले एक पफ बनाएंगे, फिर 16 चैन बनाएंगे। यहाँ पे पहले एक पफ बनाना है, बना लिए ये पफ, फिर इसको पूरे को बना लेंगे, फिर अब यहाँ पे 16 चैन बनाएंगे। बना लिया 16 चैन, अब इसके बाद फिर एक पफ बना के यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बार क्रॉस एक धागे में लेके जाएंगे, फिर इनको एक साथ बना लेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और इसके नेक्स्ट वाले यहाँ पे पैटर्न में इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रॉसिया से। कर लिया ज्वाइंट, अब देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है ये। अब ऐसे ही करके हम ये पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। कर लिया कंप्लीट, अब हम लास्ट में क्या करना है, लास्ट में भी यहाँ पे 11 चैन बनाना है। बना लिए 11 चैन और इसको जहां से हमने यहाँ पे लास्ट में एंड किया था इसके जैसा, जहाँ एक जगह पे दो यहाँ पे लाइन है, ऐसे ही यहाँ पे एक सिंगल क्रॉसिया से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। कर लिया ज्वाइंट, अब यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और बांध लेंगे। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हमारा तोरण कंप्लीट है। इसे बनाने में बस तोरण को जो पट्टी है इसे बनाने में 2 घंटे लगे थे और इसे बनाने में 1 घंटा लगा था। अब इसके नीचे हम पोमपोम या झालर लगा सकते हैं, जिसे लगाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 घंटा लगेगा, तो ये पूरे 3.5 घंटे में तोरण कंप्लीट हो जाएगा। और कितना प्यारा भी लग रहा है ये, मैंने इसमें पोमपोम नहीं लगाया है, आप यहाँ पे पोमपोम या झालर लगा सकते हैं। अगर आपको ये तोरण पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।